बार एक महात्मा जी अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। एक छोटा सा चूहा आया और महात्मा जी की गोद में बैठ गया। महात्मा जी बड़े सिद्ध थे, योगी थे। उन्होंने चूहे को देखा अपनी गोदी में, कांप रहा है डर के मारे। महात्मा जी ने चूहे की भाषा में पूछा, योगी थे तो चूहे की पशुओं की भाषा जानते थे, तो उसी की भाषा में पूछा, क्या बात है, क्यों डर रहे हो? चूहे ने देखा कि बाबा जी मेरी भाषा बोल रहे हैं, ये तो बड़े सिद्ध हैं। तुरंत कहने लगा, बोले महाराज मेरे पीछे बिल्ली पड़ी है। तो महात्मा जी ने पूछा, क्या चाहते हो? बोले मुझे छुपा लो। बोले छुप जा। थोड़ी देर छुपा रहा, फिर विचार आया कि महात्मा इतने सिद्ध हैं तो कुछ आशीर्वाद ले ले। महात्मा जी से बोला, बोले गुरु जी मुझे कुछ आशीर्वाद दे सकते हो? बोले क्या चाहिए? अब जब बोला तो उसको लगा कि कुछ मांग लें बढ़िया चीज। अब चूहे की बुद्धि कितनी चलती महाराज। उसने कहा कि महाराज आप मुझे कुछ भी दे सकते हो। बोले तुम मांगो तो सही। बोले महाराज आप मुझे बिल्ली बना दो। महात्मा जी ने कहा, बिल्ली बन के क्या करेगा? बोले महाराज ये रोज का खेल खत्म हो जाएगा, चूहा भाग बिल्ली आई, रोज यही नाटक होता है। महात्मा जी ने कहा ठीक है, आशीर्वाद दिया, बन गया बिल्ली। और बिल्ली बिल्ली का क्या बिगाड़ती, चली गई। थोड़ी देर बाद महाराज वो बिल्ली फिर आई, फिर महात्मा जी की गोद में। अब क्या हुआ? बोले कुत्ता पीछे पड़ गया। तो गुरु जी ने पूछा कि तो क्या चाहते? बोले महाराज कुत्ता बना दो, ये बहुत परेशानी हो गई है। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, मंत्र पढ़ा, वो बन गया कुत्ता, चला गया। थोड़े दिन बाद फिर आया, अब तो गोदी में नहीं बैठ सकता, बड़ा है ना। महात्मा जी ने कहा अब क्या हुआ? बोले जंगल की तरफ निकल गया था, शेर पीछे पड़ गया। बोले महाराज पीछे दहाड़ता हुआ आ रहा है। तो गुरु जी ने कहा अब क्या चाहते हो? बोले महाराज शेर बना दो। गुरु जी ने कहा तू तो रोज आ जाता, कभी चूहा कभी बिल्ली कभी शेर, जा भाग नहीं बनाता। बोले महाराज बस आखिरी बार शेर बन जाऊंगा, जंगल का राजा, फिर थोड़ी कोई डर है मुझे। महात्मा जी ने कृपा की, मंत्र पढ़ा और वो बन गया शेर। और शेर बना तो दहाड़ लगाई उसने, कुटिया के बाहर निकला और थोड़ी देर के बाद वापस मुड़ा, फिर माया। महात्मा जी ने कहा क्या हुआ? बोले आपको खाऊंगा। महात्मा जी ने कहा वाह भाई ये भी खूब रही, हमने चूहे से बिल्ली बनाया, बिल्ली से कुत्ता बनाया, हमने शेर बनाया, हमें को खाएगा। महात्मा जी ने फिर मंत्र पढ़ा और वापस चूहा। ये कथा हम सबकी है महाराज। ये कथा का भाव क्या है? महात्मा और कोई नहीं है, ये परमात्मा ही महात्मा है। और हम सब संसार में कभी चूहा बिल्ली सर्प नेबला बने रहे, लक 84 में भरमाया, मुश्किल से ये नर्तन पाया। और अपने आप नहीं पाया, रामायण में लिखा है कि कबहू की ईश करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। ईश्वर करुणा करके कभी ये मनुष्य शरीर देता है, और क्यों देता है? देत ईश बिन हेतु, बिना कारण के, सनेही प्रेम के कारण देता है। हम भगवान से प्रेम भले नहीं करें, लेकिन भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, ये बात ध्यान रख लेना। बस थोड़ा सा प्रेम भगवान के प्रति सच्चा हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।